देखकर लगता नहीं है कि इनकी सेक्स लाइफ बहुत एक्टिव रही होगी। आई नो अपने पेरेंट्स की सेक्स लाइफ डिस्कस करना गलत है, पर सही और गलत की बहस तो बहुत साल पहले शुरू हो गई थी। गिल्ट सिर्फ एक बात का, बहस की वजह मैं थी। तो 19 साल पहले शादी और दो बच्चों के बाद इनकी सेक्स लाइफ एक्टिव ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड भी थी। सोने दो अदिति, संडे है। अरे यार बाद में सो जाना, अभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। उठो 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 यार, आधा तो उठा दिया, अच्छी कुछ नींद तो पूरी करने दो प्लीज। नीरेन आंखें खोलो, इधर देखो, मैं पूरी तरह प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? क्या बात कर रही हो, ये कैसे हो सकता है? कहा था मैंने तुमसे, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, पहन लो कॉन्डम। अरे यार अब इसमें मेरी क्या गलती है, हमने प्लानिंग करी थी ना, तुम्हें तो कहा था वो क्या वो रिदम मेथड बहुत साइंटिफिक है। तो और क्या करती, हर समय बस पिल खाती रहती। पिल्स खाने से मुझे चक्कर आए तो आए, ये अच्छा है। तुम ना सुबह उठ के पोहे खाओ, और अदिति क्या खाएगी, पिल्स। ओ की खप मचाई हुई है सवेरे सवेरे। यार कुछ पड़ोसियों का तो याद रखा करो यार। कुछ नहीं पापा, सॉरी। ईशान उठ के। गुड मॉर्निंग। एक तरफ चांदनी चौक की मिट्टी से बने मेरे पापा नीरेन चौधरी, मैंने पांडा बुलाती थी, कंग फू पांडा, और दूसरी तरफ साउथ दिल्ली से मिस इंडिया बनते बनते रह गई मेरी मम्मी अदिति चौधरी। ये छुटकू मेरा बड़ा भाई ईशान चौधरी, पर मेरे लिए जनाब इस बेचारे को क्या पता इसकी मम्मी पापा की लाइफ में क्या कांड हुआ है। मम्मी ईशान नीचे आ रहा है, उसको केला भी खिला देना। अच्छा ठीक है, तुम भी आ जाओ, पोहे ठंडे हुए जा रहे हैं। थी तो ये शेरा वाली माता, पर मेरे लिए मूज, चॉकलेट मूज नहीं, एक नरम दिल का प्राणी होता है मूज, बाद में गूगल कर लेना। मूज टंडन घराने की प्योर हिंदू पटाखा थी, पर शादी के 2 साल बाद तक। फिर मूज के अंदर माता आई और मूज ने क्रिश्चियन बनने का मूड बना लिया। पांडा भी एक अच्छे मन के हिंदू की तरह बिना ऑब्जेक्शन मान गए, पर तब कहां पता था कि मूज ने बाइबल भी वो पकड़ी है जिसमें लिखा है अबॉर्शन किया तो नरक में जाओगे। अदिति हम ये रिस्क नहीं ले सकते, सॉरी लेकिन अब अबॉर्शन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन। क्या बात कर रहे हो यार, तुम जानते हो मैं ये नहीं कर सकती। आहिस्ते बोलो कि पापा सुन रही है। यार ईशान तो है, उसके वक्त हम लकी थे, बस यार और बच्चे नहीं चाहिए प्लीज। हमने प्लान तो नहीं किया था। नहीं मैं जानती हूँ कि इस बच्चे के आने की कोई स्पेशल वजह है। यार ये बातें मत किया करो यार प्लीज, मैं नहीं मानता। अरे जो भी करना है हमें करना है, बॉडी तुम्हारी है, डिसीजन भी तुम्हारा होगा, पर इस बार लड़की हुई तो तानिया जैसी बात दोबारा हुई, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है दीदी। तानिया के बिना तुम्हें अधूरा नहीं लगता। शेरा वाली माता कह लो या बाइबल भक्त, मूज अपनी बात मनवा ही लेती थी। ये यहाँ मूज इमोशनल हुई नहीं कि वहां पांडा ब्लैकमेल हो जाते थे। मूज की पूंछ थे पांडा, क्यूट। तो ये है इनकी लाइफ की तीसरी फसल। अब खुद की क्या तारीफ करूं, वड़ा ब्यूड़ी।
डरो मत, भगवान है ना, बार बार ऐसा थोड़ी करेगा। इसका नाम हमने आयशा रखा है। आयशा मतलब जिंदगी। अरे वाह, बड़ा चंगा नाम रखा कुड़ी दा। मैं लिख के दे रहा, पूरे 100 साल जिएगी ये कुड़ी। बिल्कुल सही कहा पापा। और आप सब ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़े हैं? आपकी पोती आई है, मुस्कुराइए। हाँ, मैं गणित में फेल नहीं हुआ हूँ फिर से। हा? यार लड्डू खिला दो सबको, चलो चलिए चलिए। और आपको पहले थोड़ी बहुत मेहनत मैंने भी की थी। बिल्कुल। हमारी आयशा को तो घर आना ही था। चलो एक फोटो हो जाए। चलो चलिए, सब कहिए आयशी। आयशी। मेरे दादू थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गए। 100 साल जी लेती तो ये कहानी कैसे सुनाती? मेरा दी एंड हो चुका है, पर इस कहानी का नहीं। एंड हेलो, मैं मर चुकी हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि सारा सस्पेंस खत्म। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे भूत वूत टाइप इमेजिन ना करें, क्योंकि लुक्स तो मेरे अब भी किलर हैं, मतलब भूत टाइप किलर नहीं। आप मेरी छोड़ो ना, इनकी सुनो। हनीमून पर नेपाल जाने का बजट नहीं था इन दोनों का, वो तो मैं आ गई इनकी लाइफ में और दोनों को लंदन के दर्शन करा दिए। लंदन ब्रो, लंदन। उसके गले में टॉन्सिल्स ना होना, प्लस आपकी फैमिली हिस्ट्री देखकर लगता तो यही है कि इंडियन डॉक्टर्स गलत नहीं है। गारंटी तो नहीं दे सकते, पर आयशा को ठीक करने का एक तरीका है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बेस्ट मैच भाई या बहन का होता है। हमारा एक बेटा है ईशान। ये रही उसकी ब्लड रिपोर्ट। आप दोनों का टेस्ट भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल जी। इम्यूनिटी ना होने से इन्फेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। जितना हो सके उसे आइसोलेटेड रखिए, लोगों से दूर। ये काफ़ी महंगी ट्रीटमेंट है, 120,000 pounds तो कहीं नहीं गए। सेविंग्स है मेरी कुछ। बेकार की बात मत कर, वैसे भी तुमने इतना कुछ किया है। क्या इतना कुछ? पता नहीं इतनी फॉर्मल क्यों बन रही है। बेडरूम में आराम से सो जाते तुम तीनों। नहीं यार, यही ठीक है। मैं तुझे पहले ही बता देती, लेकिन सब कुछ इतनी लास्ट मिनट और जल्दी हो गया। अगर आए अब तो हद। डैडा को भीख भी मांगनी पड़े ना, तो डैडा पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, पर लंदन से ठीक होके ही जाएंगे वापस। तब तक तुम डैडा के साथ ही रहना होगे। अब लगता है ना मैं होती ना हम लंदन आते। पांडा रोज सुबह लंदन का मैप और लंच बॉक्स लेकर निकल जाते थे, कभी दुकानों में पोस्टर चिपकाने तो कभी बड़े बिजनेसमैन के घर चिट्ठी छोड़ने। मुश्किल से लंदन आने के पैसे जमा किए थे, पर यहाँ आके पता चला कि चांद पर जाने के पैसे जमा करने। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, वो ट्यूब की वजह से। तसल्ली से बैठिए, कोई बीबीसी थोड़ी है। देखिए यहाँ ज्यादा डोनेशन वोनेशन का हिसाब है नहीं, 15,000-20,000 pounds भी जमा हो जाए ना तो बहुत समझिएगा। क्या है ना, एक इंसान जहां उम्मीद लगाता है ना वहीं धक्का खाता है। और थोड़ा शॉर्ट रखिएगा क्योंकि प्रोग्राम तो आखिर गानों का है ना।
आपका अपना अर्जुन गिल सनराइज रेडियो से। दोस्तों, आज एक बहुत ही जरूरी, समझिए सीधा दिल से निकली आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस साल 27 मार्च को पैदा हुई आयशा चौधरी, लेकिन SC ID लेकर आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ उनके फादर नीरेन चौधरी। नीरेन, ये SC ID होता क्या है? जी, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा बिना किसी इम्यून सिस्टम के पैदा होता है। इसी कंडीशन में किसी भी इन्फेक्शन से लड़ पाना बॉडी के लिए इम्पॉसिबल है। ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चे पैदा होने के एक साल के अंदर ही अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो जिंदा नहीं रह पाते। हमारी पहली बेटी तानिया, उसे भी ये डिसऑर्डर था, वो नहीं बच पाई। नहीं सर, इट्स ओके। ये बताइए, ये होता कैसे है? जी, मैं और मेरी वाइफ अदिति, हम दोनों में एक रेयर जीन है, मतलब कहिए तो एक फॉल्टी जीन है। 25% चांस है कि हमारी ये फॉल्टी जीन हमारे बच्चे को भी मिले। 10 लाख कपल्स में से कोई एक कपल ऐसे होता है जिसके साथ ऐसे होता होगा, और हम वो एक कपल हैं। इसे डॉक्टर्स का कहना है कि अगर 2 हफ्तों के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो हमारी आयशा का बचना इम्पॉसिबल है। आयशा के पेरेंट्स अब तक 60,000 pounds जमा कर पाए हैं, जिनमें इनकी पूरी लाइफ सेविंग्स शामिल हैं। इन्हें जरूरत है 120,000 pounds की भारी रकम की। कहां से लाएंगे अपनी आयशा को बचा पाने के लिए ये रकम? कौन करेगा चौधरी परिवार की मदद? हम में से कौन? प्लीज हेल्प अस। तुम्हें वो शीतल अग्रवाल याद है? मालविका कह रही थी उसका डिवोर्स हो गया। तुम्हारे गानों पे बहुत लट्टू थी वो। तुम उससे शादी कर लो, 120,000 pounds मिलने के बाद डिवोर्स कर देना। 120,000 pounds तो डिवोर्स लॉस भी खप जाएंगे। मैं तुम्हारी शादी उस रामजस कॉलेज के मोटे सिंघाना से करा देता हूँ। I'm sure अब तक सिंगल ही होगा वो। I'm sure शायद मेरे साथ रहेंगे। तुम वीकेंड पे आके मिल लेना। Stop it। अरे तुम्हारे लिए वेट कम कर लेगा वो। शान से क्या कहेंगे कि उसकी बहन आसमान में स्टार बन गई। मुझे मम्मी के पास शिफ्ट हो जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम और शान उससे ज्यादा अटैच हो जाए। कोई कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है। तुम ना बस एक दिन में एक बात ही सोचो। हेलो, बाथ टाइम। यस, वन सेकेंड। अदिति, डॉक्टर का फोन है। एक मिनट, तुम इसको लो। हेलो हेलो मिसेस चौधरी, थोड़ी सी अजीब रिपोर्ट है। फोन पे तो नहीं डिस्कस करना चाहिए। क्या हुआ, यू कैन टेल मी। नरेन निशान का फादर नहीं है। क्या? क्या मतलब क्या? क्या रिएक्शन हुआ? ऑब्वियसली मिस्टेक है ना नीरेन। आई मीन तुम्हारे बिना कौन हो सकता है ईशान का फादर?
टेस्ट तो रिपीट करवाना ही पड़ेगा। थैंक गॉड अंशु विशान को ना सकता है, 100% मैच तो उसी का होगा। देखो अब उसकी भी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है। अगर प्राइमरी में ना कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो जितनी भी ट्यूशन लगा लो, आईसीएसई देना बस की बात नहीं होती। It's ridiculous. I know. ICSE is not easy. ICSE कौन दे रहा है? अरे ईशान देगा ना जब बड़ा होगा तो। तुम क्या कह रहे हो? केस ठोक दूंगा उस हॉस्पिटल में। साला वैसे ही पाउंड को रुपीज में कन्वर्ट करते करते झंड हो गई हमारी। टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ बोलो। कुछ नहीं बेबी, छोटा सा, जैसे आप पेंसिल को चेक करते हो ना उसकी नोक, बस उतना ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। आप इधर देखो, मम्मा को देखो। फिर आयशी क्या कह रही है, ईशान भैया कितना ब्रेव है, ईशान भैया रोया ही नहीं, है ना आयशी कहेगी ना इतना। अभी देखो जैसे चींची काटती है ना, बस वैसे। सॉरी मम्मा, सॉरी डैडा। मेरा बहादुर बच्चा है ना तू। चांदनी चौक के बच्चे नहीं रोते? कहाँ के? चांदनी चौक के। अच्छा बताओ क्या हुआ ऊपर? कुछ नहीं, चलो यहाँ सीन ना ही क्रिएट करें तो बेटर है। अरे क्या सीन यार, कौन जानता है हमको? तुम हिंदी में बोलोगे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। प्लीज स्टॉप इट अदिति। अचानक कोई आके तुमसे कहे कि आज तक जो कुछ भी तुमने सोचा है सब गलत है, झूठ है, कैसा फील होगा तुम्हें? इतनी कूल बन रही हूँ। तुम क्या गोल गोल बातें कर रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना यार। नहीं बेवकूफ नहीं हूँ मैं, ईशान नॉर्मल है, मुझे पता है क्यों, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। अरे साफ बात है, मुझसे तो तानिया और आयशा को सिर्फ स्किट मिला है, इज़न्ट दैट राइट? तो तुम कह रहे हो कि गलती मेरी है, मैंने तुम पे चीट किया है। तुम ना ये अपना छोटा शक्की दिमाग लेकर वापस चांदनी चौक चले जाओ। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतने दिनों से तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है। आगे क्या अग्नि परीक्षा मांगोगे? स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक, हां साइंस भी कोई चीज होती है। ठीक है तो तुम अपना साइंस लेके यहां बैठो और मेरे कैरेक्टर के बारे में बहुत साइंटिफिक थिंकिंग करना। अगर आयशा के लिए नहीं होता मैं ईशान से ये टेस्ट करवाती भी नहीं। ना तो मुझे तुम्हें कुछ प्रूव करना है ना किसी और को। तुम भाड़ में जा सकते हो। एक बच्चे को बचाने के लिए पैसे चाहिए थे और दूसरे के लिए प्रूफ, और तब लाइफ के असली मजे ले रहा था जिराफ। इस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि इसके सरनेम के आगे क्वेश्चन मार्क लग चुका है, पर अंशु मामा को तो पता था। उन्होंने चॉकलेट फ्लेवर ले लिया, लंदन ब्रो। वैसे मैंने कहा था इनकी सेक्स लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कम से कम मेरे चौधरी होने की गारंटी वारंटी डॉक्टर्स दे चुके थे, वरना लंदन से ये दोनों सिंगल वापस जाते। सर 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 एक काम था, बुरा ना माने तो यहाँ टैक्सी खड़ी करना अलाउड नहीं है, वरना मैं खुद दे आता। हाँ जी बोलिए। सर अंदर ना एक बच्ची है आयशा चौधरी करके, ये उनके फादर को दे देंगे प्लीज। कुछ बात बड़ी आगे? कोशिश तो पूरी है। तुम्हारे और ईशान के ब्लड रिपोर्ट्स आए हैं और कोई इंडिया में यू नो हॉस्पिटल में गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन आई मीन फिर भी यू नो जानते हैं ईशान के फादर तुम ही हो। जो आ गए रिपोर्ट्स, वैसे पता तो है ही, मतलब पता था ही, वो वही दोबारा टेस्ट कराने पड़े। मैं अदिति से कह रहा था कि क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, मगर वो सुनती का है, आप तो जानते हो उसे। थैंक यू डॉक्टर।
सॉरी अदिति। आसानी से शक और आसानी से सॉरी। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैंने बेवकूफों की तरह बात बढ़ा दी है। करेक्ट, लेकिन तुम तो बेवकूफ नहीं हो। सॉरी यार। सॉरी, अब तो माफ कर दो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। आई एम सॉरी। लंदन में तुम्हें ये कहां से मिला? अरे मिल गया, प्यार में सब कुछ मिल जाता है। अर्जुन गिल, हेलो। मेरे रेडियो ऑन करो और फोन पे लाओ। रेडियो ऑन करना। रेडियो ऑन कर। लंदन के प्यारे दोस्तों, मैं हूं अर्जुन गिल सनराइज रेडियो से। देश से दूर है पर दिलों के करीब। दिल से निकली आपकी हर दुआ के लिए, हर डोनेशन के लिए, बेबी आयशा चौधरी के लिए 250,000 पाउंड की माफीदार रकम, यानी जरूरत से दुगनी रकम डोनेट करके आपने तो मेरा कॉलर टाइट कर दिया है। हमारे साथ फोन पे मौजूद हैं आयशा के फादर नीरेन चौधरी। नीरेन, आपको बताना चाहूंगा कि ये पैसे सिर्फ इंडियन या ब्रिटिश लिसनर्स ने नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और कई देशों से आकर लंदन में बसे हमारे दोस्तों ने भेजे हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा कि आयशा बस अब हमारी नहीं, अब सबकी है। मैं अकेला शायद उसे नहीं बचा पाता, पर अब लगता है कि वो जिएगी, बहुत लंबा जिएगी। मेरे और आयशा की मम्मी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अर्जुन। सोच कर देखिए, रुपीज नहीं पाउंड से भरा हुआ एक रूम, सीलिंग तक 2 पाउंड, 5 पाउंड, बहुत सारे चेक्स। कुछ लोगों ने अपने पिगी बैंक ही भेज दिए। ऐसे भी लोग होते हैं, तब नहीं बोल पाई इसलिए अब बोल रही हूं। थैंक यू सनराइज रेडियो एंड थैंक यू लंदन। और इसी के साथ जिराफ और अंशु मामा की आइसक्रीम पार्टी खत्म हो गई, क्योंकि ईशान चौधरी तो था पर मेरा बोन मैरो मैच नहीं। बाय आयशी। ये काम भी बेचारे पैडना के नसीब में था। आयशी ना शायद तानू दीदी के पास चली जाए। कोई और होता तो शायद 4.5 साल के आइसक्रीम खोर बच्चे से ये बात छुपा लेता, पर मूज ने अपने बच्चों से कभी कोई बात नहीं छुपाई। छुपाती भी क्यों, यूरोप की मेडिकल हिस्ट्री में मेरा नाम लिखा जा रहा था। SCID के लिए पहली बार बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक साथ ट्राई होने वाले थे। अकेले ऑपरेशन टेबल पर जाकर लेट जाना पांडा के लिए आसान नहीं था, पर 2 हॉस्पिटल्स के बीच भागने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब आप मूज और मिल्खा सिंह को कंपेयर करोगे तो दैट्स नॉट फेयर। ओह, यू कैन गो थ्रू दीस डोर्स मैम। आई एम सो सॉरी, माय हस्बैंड्स गोइंग इन फॉर सर्जरी। आई कैन गाउन अप इफ यू नीड, इट्स व्हाटएवर इज नेसेसरी। नो, आई एम सॉरी, इट्स पर्सनल ओनली फॉर दिस डोर।
पता नहीं अभी कितने महीने लगेंगे इसके नए सेल्स बनने में। मुझे यहाँ होना चाहिए तुम दोनों के साथ। तुम देखना आदिति, एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगा, ये जॉब, ये सैलरी, इन चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। एक बार आयशी ठीक हो जाए ना, फिर साथ में बैंक लूटेंगे। तब तक तुम्हें ईशान की मम्मा भी बनना पड़ेगा। आई होप कि कीमोथेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। हेलो, कैसी है मम्मा? मैं ठीक हूँ बेटा। आयशा कैसी है? जी आयशा बिल्कुल ठीक है। और नीरेन निकल गया? हाँ नीरेन बस अभी निकले हैं। अच्छा बेटा, और तुम ठीक हो ना? जी अच्छा। वो ईशान उठा हुआ है क्या अभी तक? अरे वो कहाँ सोता है तुझे? ईशान, ईशान, मम्मा। हाय बेटा। दीप्ति मैम ने मुझे बहुत डांटा, कॉर्नर में खड़ा कर दिया। क्यों? मैंने ड्राइंग क्लास में स्काई का कलर पिंक कर दिया। मम्मा, स्काई का कलर तो पिंक होता है ना? दीप्ति मैम बिल्कुल गलत है। तुम्हारे स्काई का कलर जो भी हो और तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। सारे फ्रेंड्स मुझे बुद्धू बोल रहे थे कि स्काई का कलर तो ब्लू होता है। अच्छा आप एक मिनट रोना बंद करो और मम्मा की बात सुनो, ठीक है? कोई जरूरत नहीं किसी और के कहने पे अपने स्काई का कलर चेंज करने की, कभी भी नहीं, ठीक है? हर एक का अपना स्काई होता है, समझे आप? मुझे मेरे स्काई का कलर जैसा लगा मैंने वो किया। अगर आपको लगता है कि आपके स्काई का कलर पिंक है तो स्काई पिंक है, बस। अच्छा मामा ने दादा के साथ ईशान के लिए क्या भेजा? दिन दिन। मामा लव्स यू इश्लू, और तुम्हारा पिंक स्काई। बाय मामा। बाय बेटा। मुझे हमेशा लगता था मूस जिराफ से ज्यादा प्यार करती थी, पर जिराफ को लगता था मूस मुझसे। Honestly, फुल टाइम ड्यूटी के लिए तो मैं ही मोस्ट एलिजिबल थी। बड़ा वाला प्लेन। हाँ, और बड़े वाले प्लेन में कौन बैठता है? प्लेन में बेटे को। हॉस्पिटल साइकाइट्रिस्ट के कहने पर मूज ने चौधरी फैमिली का पहला न्यूज चैनल शुरू कर दिया, और उसी के साथ मेरा पहला चाइल्ड मॉडल असाइनमेंट। लंदन मेरी ट्रीटमेंट के लिए आए थे, पर पेशेंट मूज बन गई थी। टू मच हेड शोल्डर्स। ठीक है, शोल्डर, ये शोल्डर है। मम्मा आपको आपका लंदन वाला घर दिखाएगी। ये मम्मा का कवर, छोटा वाला कवर, या आयशी का प्रैम। ये हमको उसको कवर करके रखना पड़ता है ना, ताकि जर्म्स और बैक्टीरिया ना मिले। हमारा वीकली प्लान है। यहाँ पे मम्मा आयशी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। मूजी वीडियोस नहीं बनाती तो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती। इंजेक्शन मैं खा रही थी और मूज जिराफ को मिस कर रही थी, और वैसे भी मेरी मॉडलिंग में गधे जिराफ को इंटरेस्ट तो था नहीं।
आयशी देखो दिल्ली से प्लेन आया है। वो चलन भी लग गया था। शादी के 8 साल बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का ये पहला ट्रायल था चौधरी फैमिली में। मूव्स अब हर दिन गिनने लगी थी। क्यूट के नाम पर कितना झेलती, 50 ड्रामे होते हैं बच्चों के, पर मेरी मूव्स लगी रही। ऑप्शन क्या था? What are you doing? That's my baby. Well, miss, I thought she was abandoned. She left her outside. She can't be in enclosed spaces. Oh, I'm sorry, miss. Are you done with your shopping? Let me help you get checked out, and you can just wait here with your baby. Yes, please. Come, Baba. Okay. You're okay. You're okay. Hello? Hello? Hi. कैसी हो? कहाँ? मैं बस घर का सामान लेने आई थी। इतनी ठंड हो गई यहाँ पे, एकदम हाथ जम गए मेरे। तुम लोग क्या कर रहे हो? ईशान ने खाना खाया? फोन दो ना उसको। अरे वो तुम्हारी मम्मी के घर पे है। क्यों? मम्मी के घर क्यों? माँ बाबा जम्मू गए ना बुआ से मिलने। तो मैंने लंच का प्लान बना लिया। कौन आ रहा है लंच पे? वो सोनिया, वो ईशान। सोनिया कौन है ये? भैया। अरे ईशान के स्कूल में मिली थी एक दो बार। बेचारी का कुछ डिवोर्स हुआ, उसका चक्कर है, कुछ एडवाइस चाहती थी। नहीं एक मिनट, तुम्हें डिवोर्स के बारे में क्या पता? या तो तुम बेवकूफ बन रहे हो या मुझे बना रहे हो। अदिति कम ऑन प्लीज, डोंट अदिति मी यार राइट नाउ। तुम्हें क्या जरूरत है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की? तुमने दुनिया की सारी डिवोर्स औरतों का ठेका ले रखा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा वो क्यों रो रही है और रोते हुए आ रही है सिंगल डैड बेचारे के पास। अरे यार तुम्हें कुछ भी बताना खतरे से खाली नहीं है। और मैं सिंगल डैड कहाँ हूँ? मैंने ये सोचा कि बस उसे अपने राइट्स मालूम होने चाहिए, वही डिस्कस करना चाहती है बस। अरे तुम क्या डिवोर्स लॉयर हो गए हो? समाज सेवा कर रहे हो क्या? फीस क्या दे रही है तुमको वो? एक्चुअली तुमने पहना क्या है? हाँ क्या पहना क्या है तुमने? शर्ट और जीन्स, मतलब और क्या पहनूंगा? कौन सी शर्ट? ये वो पर्पल टाइप की बांधनी वाली। तुम्हारी कूल वाली शर्ट, आज उसको इम्प्रेस करना है इसलिए अपनी दूर वाली शर्ट निकाल के लेकर आया तुम। मैं कह रही हूँ निरन, अगर तुमने वो शर्ट पहनी ना। यार मैं अपनी शर्ट नहीं बदलने वाला हूँ तुम्हारी ये बकवास सुन के। देखो मैंने तुम पे शक किया, गलत था, लेकिन अब क्या तुम बदला लोगी मुझसे? तुम भी ना आदिति, इन सारी चीजों से थोड़ा ऊपर उठ जाओ। मैं ऊपर उठ जाऊँ कहते हो तो दुनिया ही छोड़ देती हूँ ना मैं। भैया आपके गेस्ट आ गए। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। आ गई निरन। फोन काटा ना तुमने तो देखा। हाय सोनिया। हाय सोनिया। तुम अभी उसको कहो कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और तुम्हें उसके घर जाना है। मैं सुन रही हूँ अभी। निरन कल फोन करता हूँ तुम्हें। ओके रखता हूँ अभी, चलो बाय। आई एम सीरियस। शीला, सुषमा, ममता और कोई भी नाम ले लेते ना तो शायद मुझ के शक का कांटा नहीं घूमता, पर सोनिया नाम में इतना ऊंफ है कि प्राइम मिनिस्टर तक खिल जाते हैं। शादी से पहले तो फोन से निकल कर मूस की बाहों में घुस जाने की बातें किया करते थे पांडव। यार शादी कर लेते हैं और कितने दिन इस मनहूस फोन को किस करके सोना पड़ेगा। शादी करने के लिए कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी तुम्हारे चांदनी चौक में? फूफा जी, ताया जी, पापा जी, दूध वाला, पेपर वाला और जलेबी वाले से भी बात कर। अरे ठीक है ठीक है, ये साउथ दिल्ली की एटीट्यूड मत दो मुझे। पहले पहले मेरे फैमिली वैल्यूज कितने अच्छे लगते थे। काया पलट। सुनो तुम बात करो ना अपनी फैमिली से। मैं नहीं डरती किसी से। मेरी क्या कहो तो तुम्हारी फैमिली से बात करने आ जाती हूँ। यार तुम बड़ी डेंजरस हो ना सेक्सी हुए। चौधरी अरे पापा आप की कर रहे हैं? रात दिन नींद नहीं आती तेनू? मैं बेल भिजवा देना इस कुड़ी के प्यो नू, सो जा। पता नहीं अजकल दे मुंडे नू हो की गया।
बिल की चिंता सिर्फ दादू को। ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलेगा दीदी, इसलिए मैंने ट्रांसफर ले लिया फिलहाल। सच? अच्छा सुनो, परसों ईशान और तुम्हारी मम्मी भी आ रही हैं। वैसे मैं वो टीचर से कहकर आया हूँ कि 6 महीने और लग जाएंगे तो ईशान की सीट किसी और को ना दे दे। याद है सुबह 5 बजे से लाइन में लगे थे उसके एडमिशन के लिए। संभाल के भाई, ये पराठे और अचार मनी माने भेजे। 6 महीने नहीं रहे, 6-8 देखेंगे। वैसे 1-2 महीने का बफर मान के ही चल दो। 10 साल मजाक कर रहे थे। इसकी बॉडी में अभी टी सेल्स बनने में वक्त लगेगा और जब तक ये टी सेल्स नहीं बनती इसकी बॉडी एकदम वॉर जोन है। अगर हम इसको एयरपोर्ट पे लेकर गए तो कुछ भी हो सकता है, वो कोलैप्स हो जा सकती है। हमारे लिए सिर्फ 10 साल का सवाल है मेरे, उसके लिए उसकी पूरी जिंदगी। तुमने पता है इन दोनों को एक साथ हैंडल करना कितना मुश्किल है। पार्टी तो कर नहीं रहा था। बस बेटा बस बस क्या हो गया तुपसी? हाँ। सोचो अगर 11 बच्चे होते तो क्या होता। पैना ने फाड़ के पैसे कमाए बिना बैंक लूटे। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हॉट मम्मीज क्लब प्रेसिडेंट Moose the musical. Musical एकदम क्लियर थी। लाइफ गुगली फेंके या यॉर्कर, छक्का तो हम अपने एटीट्यूड से ही मारेंगे, बस हमारी टेस्ट थोड़ी अलग थी। Presenting cool and casual आयशा चौधरी, इस कहानी की मेन विलन। डॉक्टर्स ने कहा आयशा को भीड़ से अलग रखो, तो मूज ने हमको सीधा लंदन के बाहर छोटे गांव में शिफ्ट कर दिया। हद है, आप बताओ कौन से ऐसे जर्म से जो मूज से पंगा लेते। पर मूज ने बोल दिया तो चौधरी परिवार अबाउट टर्न। जब लोग लंदन घूमने का प्लान बनाते हैं तो बकिंगम पैलेस, लंदन आई, बिग बेन जाते हैं। मैं लंदन में द ग्रेट ऑर्मन स्ट्रीट हॉस्पिटल जाती थी। ऐशी, ठीक है? हाय। मैं फोन कर रहा हूँ। हाय। आयशा, प्लीज कुत्ते से तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या था? पहले तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट्स चेक कर लें तो फिर देखेंगे। क्या हो जाएगा ब्लड रिपोर्ट्स चेक करके? कभी बी सेल्स खत्म हो जाती है, कभी टी सेल्स कम हो जाती है। हो गया था इम्यूनिटी प्रोग्राम खत्म।
बाहर में गई ब्लड रिपोर्ट। आयशी कब काम में चुके हर 6 महीने में हम हॉस्पिटल पहुंच जाते थे मेरी कुंडली दिखाने। 13 साल बाद भी हमारी लाइफ स्लो मोशन में ही चल रही थी। कोशिश तो तीनों नॉर्मल बिहेव करने की करते थे पर हॉस्पिटल में जाते जाते सबकी हवा टाइट हो जाती थी। एग्जाम मेरा होता था और फेल होने की टेंशन इन तीनों को। पागल हो गए दोनों तीनों। Can you imagine? आयशा एकदम ठीक है, उसके टेस्ट रिजल्ट्स क्लियर है, उसकी जिंदगी होगी तुम्हारी और मेरी तरह। मुझे पिंच कर। आखिर में तुम यप तुम हो ही इतनी अड़ियल, जो बात दिमाग में अटक गई बस करके दिखा दिया तुमने। अकेले थोड़ी ना किए, तुम थे इसलिए। हो गया मुझे प्रमोशन मिला है। व्हाट? या इंडिया मूव करना होगा, कंट्री है। नीरेन अभी इस वक्त हम लोग इंडिया कैसे? बहुत बड़ा ऑफर है अदिति, पर अब आयशा के टेस्ट रिजल्ट्स भी सब ठीक हैं तो कब तक रहेंगे यहाँ? मैंने बात कर ली है ऑफिस में। तो तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? अरे ना पूछ रहा हूँ ना बता रहा हूँ, सब सोच समझ के तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। अदिति यार तुम जानती हो पिछले 13 साल करियर पॉइंट से बहुत मुश्किल रहे हैं, यहाँ वो मजा नहीं है यार। जानती हूँ, पर अगर किसी भी वजह से हमको वापस आना पड़े तो? आ जाएंगे, कौन से हमारे पासपोर्ट जब्त हो रहे हैं। बेचारी मूज, जब लंदन में नॉर्मल लाइफ एंजॉय करने का टाइम आया पांडा ने घर वापसी कर ली। लंदन के पास गांव में रहते थे, अब दिल्ली के पास छतरपुर के फार्म हाउस में। अपनी ट्रेजेडी में कैसे समझाऊं? फार्म हाउस में स्विमिंग पूल तो था पर फीलिंग मोगली वाली आती थी। फ्रैंकली लंदन हो या दिल्ली, मेरे लिए ज्यादा एक्साइटिंग था नॉर्मल स्कूल जाना। एक सेकंड के लिए ऐसे लगा कि इस गेट से मैं अपनी ही लाइफ के सीक्वल में एंटर कर रही हूँ। हिंदी ट्यूशन के नाम पर जितनी बॉलीवुड फिल्म्स देखी थी सब एक साथ बहने लगी। इट वॉज शो टाइम। बेब्स, तुम जैसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, सोडा में इन बबल्स की तरह होते हैं, एक एक करके ऊपर आते हैं। वेल, अगर सब अपना काम छोड़ के मुझे घूर के देख रहे हैं तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। जिम क्लास टुडे, आधे लोग इस तरफ, आधे लोग इस तरफ, बाकी लोग। वाह, टोटली इंडियाज गॉट टैलेंट हो तुम। पढ़ाई वढ़ाई भी करती हो या सिर्फ तफरी? नहीं, मैं स्कूल के एंटरटेनमेंट शो कर। आयशा बाद में मिलता हूँ। उस दिन पहली बार मैंने करण की आईब्रोज नोटिस की। स्टूडियस तो मैं थी, करण से मिलके थोड़ी और हो गई। करण की हिस्ट्री, करण की ज्योग्राफी सब पढ़ने का मन कर रहा था। फन फैक्ट, करण से हाथ मिलाने के बाद मैंने उस दिन हाथ नहीं धोए। ऑल थैंक्स टू राजमा चावल, इंडिया की सबसे बड़ी पिज्जा कंपनी के सीईओ का पहला प्यार। पर इंडिया आने के लिए मुझ से ये कहते कि मैं दिल्ली के राजमा चावल मिस कर रहा हूँ तो पांडा की लग जाती। और जिराफ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए गर्लफ्रेंड पटाना उतना ही मुश्किल होता है जितना सुबह उठना। बस उठ गए तो समझो पट गई। इसे मेरा ही भाई बनना था। दिल्ली में जानलेवा हो गया है डेंगू, दिल्ली में लगातार फैलता जा रहा है डेंगू। संतोषी, मैंने आपसे कहा था ना, आयशा के लिए कुछ भी धोगे तो नल के सादे पानी से नहीं, बॉइल्ड वाटर से धोना है। सब्जी हो, फल हो, प्लेटें हो, कुछ भी, आप प्लीज उबलते हुए पानी से धो।
उसकी तबीयत नाजुक है और जीत आप गाजर काट रहे हो बिना ग्लव्स के। आपको मैंने बोला था ना कि ग्लव्स पहनने जरूरी है, प्लीज जरा हर चीज ग्लव्स पहन के करो। जीत पूरा फार्म हाउस हमको फ्यूमिगेट करवाना पड़ेगा। हाय ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। लाइक लव। अच्छा यहाँ बैठो। ओ माय गॉड, कुछ नहीं। क्या हुआ? पता नहीं, बस गिरी हुई थी वो। उठाओ फोन, उठाओ, चलिए चलो। आयशी जरा टीवी बंद करना। एक मिनट, एक मिनट। Show you. I mean, I really mean it. Not sure. चल चल। डिवोर्स हो रहा है आप लोगों का? अगर हो रहा है तो पार्टनर मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे बहुत पकाती हैं। या अगर आप लंदन जाने वाले हो। के बारे में। तुम्हें जो हुआ है उसे बुलसफन लंग डैमेज कहते हैं। Wait, what? Yeah. उसकी वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुआ है तुम्हें। पोल्यूशन देखा ना आप लोगों ने दिल्ली में? पोल्यूशन की वजह से नहीं है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं। पर कीमोथेरेपी 14 साल पहले हुई थी ना? आगे चल के कीमो के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं थे, हमें वो पता था, पर उस वक्त हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी आयशी। और ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? सीरियस कंडीशन है और फिलहाल अभी इसका कोई क्योर नहीं। ट्रीटमेंट्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, तो क्या क्या नहीं किया हमने, कुछ फायदा ही नहीं हुआ उसके बाद। इफ यू जस्ट एक्सक्यूज मी, आई विल बी राइट बैक। ऑर्डर करते हैं, वरना मैं भूख से यही बेहोश हो जाऊंगा। शुड आई गो चेक ऑन हर? नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, शी विल बी फाइन। सर, दिस इज द लेडीज लू सर। नहीं, वो मेरी बीवी वहां अंदर है बस। आई अंडरस्टैंड सर, बट दिस इज द लेडीज लू, प्लीज मूव ऑन सर। Just 2 minutes, please. Please. Thank you. उसकी सास की डेथ और आयशा की डेथ सेम चीज है? ऑब्वियसली सेम नहीं है, लेकिन अब छोड़ो, जाने दो। अरे एक बार हम लंदन शिफ्ट हो गए तो तुम वहां, वो यहां। मैं कहीं शिफ्ट नहीं हो रही निरन। अदिति, अब ये क्या घूम रही है? तुमने कभी सोचा है कि अलमारी में आयशा के जो कपड़े पड़े हैं वो हम साथ लेकर जाएंगे कि फेंक देंगे? और इधर उधर शिफ्टिंग में अगर उसकी पेंटिंग्स खराब हो गई तो? उसके स्कूल बैग का क्या? हाँ, उसकी किताबें, उनका क्या? कबाड़ी वाले को दे दूं मैं? बस करो अदिति। क्यों बस करूं मैं? मैं आयशा को यहां अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे लंदन भी आयशा का घर है। हाँ,
तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम्हें पता है। कब तक तुम्हारे पीछे पीछे भागती रहूं निरेन? अरे मैं भी तो आया था लंदन तुम्हारे लिए। निरेन, तुम मेरे लिए लंदन नहीं आए थे, तुम आयशा के लिए लंदन आए थे। और अगर आए भी थे तो क्या बड़ी बात कर ली तुमने? जता क्या रहे हो? अपनी फैमिली के लिए आए थे, इतना क्या महान हो गया? अगर इतना भी नहीं कर सकते तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, किसी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता तुमको। हुआ क्या है तुमको? कहां की बात कहां ले जा रही हो तुम? वहां बाहर हम बैठे डिनर ऑर्डर कर रहे हो तुम? अरे तो जाओ ना यार, खाना खाओ अपना, ठंडा हो रहा होगा तुम्हारा खाना। कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं कि मैं किससे बात कर रही हूं, मैं तुम्हें जानती भी हूं या नहीं। पिछले 20 साल में क्या किया है मैंने? हाँ, रोज आयशा की देखभाल 24/7। और अब जब मैं 50 साल की हो गई तो क्या बचा है मेरे पास? वो तो चली गई और ईशान अपनी जिंदगी में बिजी है जैसे उसको होना चाहिए, पर तुम सब बिजी हो। यार किस बेसिस पे कर रही हो तुम ये बातें? हाँ, मैं कब नहीं होता हूं तुम्हारे लिए? और मेरे पास मेरे काम के अलावा है ही क्या? तुम हो मेरे लिए? नहीं हूं यार, वो ही तो, मुझे आयशा के अलावा किसी और के लिए कुछ करना आता ही नहीं। तुम क्यों भाग रहे हो निरेन? 2 मिनट बैठो तो बात करो अपने आप से, मुझसे, आयशा से। वो मर गई तो क्या चैप्टर खत्म हो गया? नहीं यार, तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, मुझसे जो यार तुम्हारे हिसाब से तो मुझसे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आयशा के लिए सब कुछ तुम्हें किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। हद है यार, कितनी आसानी से तुमने अलग अलग रहने की बात कर ली। लाइफ को रिवाइंड करके पूरा सीन ही बदल देने का मन कर रहा है, बट फन फैक्ट, ना तो मैं अब लाइफ को रिवाइंड कर सकती हूं, ना मैं तब कर सकती थी। डॉक्टर्स ने कहा कि मेरी लाइफ के सिर्फ 5 साल बचे हैं, तो मूज ने अपनी सारी सैड फीलिंग्स फास्ट फॉरवर्ड कर दी। भैया, 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 दीदी बुला रहे हैं, बोला जल्दी करने को। क्या हुआ? जूते पहनो, आ जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं इसलिए। यार मम्मा कहाँ जाना है? हम 4 से 5 होने वाले हैं, हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डैड से पहले तुम दोनों नए फैमिली मेंबर से मिल लो। ईशान, आयशा, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूं नाउ। हाय तारा, दीदी, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? क्या नाम है इसका? विवान। हाय विवान। अच्छा तुम्हारे बाकी के बच्चे कहाँ हैं? हम अपना बच्चा सिलेक्ट करने आए हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड। गाड़ी में खेल रहे हैं, कम क्या ड्राइव कर रहे हैं, कम चले। या लेट्स गो, चलो। जाके देखो तुमको कौन सा वाला पसंद है। लंदन में जब मैं कह रहा था तब आपने मुझे ये कह के झाड़ दिया कि आयशी को एलर्जी है, और अब खुद उसे पपीज लेके दे रही हो। एंटी एलर्जी पिल्स खा लेगी। हाँ पर अब रिस्क ज्यादा होगी ना मॉम।
किस चीज में रिस्क नहीं है जान। और वैसे भी अब इसकी खुशी से ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं है। रोलो मूज, सुना आपने? He's my रोलो डन। अब मर भी जाऊं तो कोई टेंशन नहीं है। रोलो से मिले। अरे आयशी रोलो को बाहर ले आओ, तोड़ देगा अंदर। आ रहे आ रहे। तेरी दादी बहुत डरती है ना तुझसे। आज बताते चल रहा दूर हटो। चल कुछ नहीं करेगा। हम तीनों यहाँ रहा करते थे। और अब देखो बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद। अब आप बोल सकते हो, पर तब जब मैं लंदन शिफ्ट हो रहा था डाडा के साथ, मुझे लगा डाडा मेरे सारे खिलौने बेच देंगे। लगा कि आयशी के ऑपरेशन के लिए अब मुझे भी पैसे कमाने पड़ेंगे। पर अच्छे दिन थे वो मॉम। तुम जानते हो ना कि मैंने जानबूझ के तुमको अपने आप से अलग नहीं रखा। अच्छा वो तुम्हारी क्लास में वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका, करण। उसको मेरे स्कूल में सबके नाम मालूम है क्या? सब कुछ जानती हूँ। आयशा का उस पर क्रश है। आपको कैसे पता? आप हमारे फोन चेक कर रही हो। तुम्हारा तो नहीं किया अभी तक। एक काम करो, करण से बोलो आयशा को एक डेट पे लेकर जाए। कहाँ से मॉम, कहाँ से आपके दिमाग में बेकार भयानक विचित्र ख्याल? आयशी को अगर पता लगा ना कि हम यहाँ पे डेट फिक्सिंग कर रहे हैं तो पूरे घर में ऐसा ताते हैं। बताएगा कौन? हाँ मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा करो ना, मैं खुद कर लूंगी। आयशा को लगता है कि वो भी उसे पसंद करता है, एंड हो सकता है करता हो, या हो सकता है उसकी बीमारी की वजह से, आई डोंट नो। लेकिन पूछने में क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा वो मना ही करेगा ना। मॉम यू नीड अ ब्रेक, रियली यू नीड अ ब्रेक। आई मीन हद है, शादी करवा दो ना उसकी। काश मैं करा सकती ना ईशान। ये इमोशनल ब्लैकमेल में ना आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अच्छा टेल मी, तुम और वो करण आजकल? नो आई एम जस्ट सेइंग, वो ब्रश व्रश करता है कि नहीं? देखो अगर दिन में दो बार ब्रश किया ना उसने, तो किस करने में कोई हर्ज नहीं। यस मैम। ये स्मॉल में है क्या? रैक में होगा मैम। रैक में नहीं है, चेक। फिर तो शायद स्टॉक में नहीं है, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। अरे ये है ना स्मॉल। श्योर मैम, पर ये आप उतार नहीं सकते। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? मैम आप ये उतार नहीं सकते, स्टोर की पॉलिसी है। लेकिन और ऑप्शन है तो आप उन्हें चेक कर लीजिए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। मूस इतना अच्छा भी नहीं है। चलो 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 चलो। Yes, ma'am. This is a Diwali collection. Like you see, the black box of the Diwali colors over here, and this is like a Musu collection. What are you doing? देखो ना। सबको बताना जरूरी है कि आपके दिमाग का एक स्क्रू ढीला है? तुम वहाँ जाके देखो कि कोई ना आए। Excuse me, ma'am. आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या? नहीं, थैंक यू। ओके, अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे बुला सकते हैं।
आयशी किस से ज्यादा कुछ नहीं. मैं सच्चे में कह रही हूँ और स्ट्रिक्टली कह रही हूँ. सेक्स अभी बिल्कुल नहीं, तुम दोनों बहुत छोटे हो. ओके तुमको कुछ डिस्कस करना है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे. प्लीज लेकिन यार हार्ट अटैक मत देना कि हमने कर लिया. मूज प्लीज. तुम लोगों ने किया तो नहीं ना अभी तक. अच्छा आप लोगों की एज क्या थी कब जब आपने फर्स्ट टाइम किया था. वैसे सेक्स पर डिस्कशन करना हमारे संस्कारों के खिलाफ है, पर जब दो लोगों के बीच सेक्स करवाना होता है तो सारे रिश्तेदारों को इनवाइट भेजा जाता है. पंडित भारी भारी मंत्र पढ़ते हैं, शहनाई बजाई जाती है. यह सबके मन में पता है क्या चल रहा है. क्या कि आज रात हम सेक्स करवा रहे हैं. काफी परफॉर्मेंस प्रेशर. स्वाहा. तुम्हारे ऑफिस वालों ने प्रेसिडेंशियल स्वीट जो गिफ्ट किया है फायदा तो उठाऊंगी मैं. स्वाहा. ये सुनो वो पापा जी ने ताया जी से बात की. उनका तो वो तुम्हें पता है ना चांदी चौक में होटल है अपना. आज रात वहीं ठहरेंगे. स्वाहा. कहीं और जाते तो फीलिंग्स हर्ट होती. समझा करो. अरे इतना भी बुरा नहीं है, काफी हमारे लिए. वैसे भी हमने कौन सा सोना है. तुम्हारे बाल ना बहुत बहुत खूबसूरत है. तुम्हें अच्छे लगते हैं. सो जाना है इसका. और फिर ये भी और अरे ये भी पकड़ी. हाँ गुलछर्रे उड़ा ले. अदिति ताया जी. जय शेरावाली माता. मूज चाहती थी कि मैं वो हर चीज एक्सपीरियंस कर सकूं जिसके लिए मेरे पास टाइम कम था. लव शव टाइप. पर ये सब सुनने के बाद मुझे मूज से तो कोई क्रैश कोर्स नहीं चाहिए था. एक्सक्यूज मी. हाय मैं आयशा का दोस्त हूँ करण. करण हाय कम. निशान. हाय करण. थैंक्स. माय गॉड आई थिंक दैट्स गॉट टू गो नाउ प्लीज. रोनू. हाय. हाय सर रोनू. ओह माय गॉड सो क्यूट. नहीं यार थैंक यू. आपके लिए कुछ लाऊं? डबल एस्प्रेसो जी. थैंक्स. कॉफी. हाँ. सुनो ईशान नाउ लिसन टू योर मदर. हेलो ईशान. आयशा के पेंटिंग्स दिखाने के बहाने से दोनों को आयशा के कमरे में भिजवा दो. हेलो सुन रहे हो. हेलो ईशान. पता था दिल्ली में रहा तो मूस पागल कर देगी. पढ़ाई तो बस बहाना था लंदन जाने का. पर मेरे पास ना कोई बहाना था ना तरीका. जिराफ को बहुत मिस करती थी मैं. मूस और पैना को झेलने में वो मेरा पार्टनर था. उसके जाते ही घर ट्रेनिंग कैंप में बदल गया. बस एक गो 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 प्रोजेक्ट आयशा.
हस्बैंड वाइफ मिलके मेरी लंग्स को पंप करने में लगते। इंटेंशन अच्छी थी पर मेरी हालत नहीं। कपड़े चाहे जो पहनू, ऑक्सीजन पाइप और सिलेंडर कॉम्प्लीमेंट्री। पाना को ऑफिस जाना होता था तो वो फिर भी रात को सोते थे। पर मूज डॉक्टर्स पे एक पैसे का भरोसा नहीं था मूज को। और फिर पाना को फोमो होने लगा, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। जब मौका मिलता वो घर से काम करते थे, टू बी स्पेसिफिक मेरे रूम से। यार लंदन में रह के ये मेरा प्राइवेसी क्लॉज नहीं समझ पाए तो अब इस उम्र में कैसे समझाती कि करण आने वाला है, मम्मी पापा निकलो। पर ये दोनों लव मैरिज तो जैसे पिछले जन्म में हुई थी इनकी। ए ए हाय कर, ए मूस। हाय करण, कैसे हो? आई एम गुड। डोलो का पोर्ट्रेट? नहीं, सेल्फ पोर्ट्रेट। ये अच्छा, मैं बैठ गई। संतोषी दीदी, वो मेरी वाली कॉफी दे देना। डबल एस्प्रेसो। करेक्ट, थैंक्स। अभी लाए। तुझे आर्ट वगैरह समझ में नहीं आता है क्या? मतलब इसमें तू कहाँ है? ध्यान से देख। नहीं नहीं दिख रहा। मैं यहाँ हूँ बेड पे। मैं जब नहीं रहूंगी तभी भी रहूंगी, हमेशा के लिए। आप लोगों को नहीं लगता कि आयशा एक जबरदस्त इंस्पिरेशन स्पीकर बन सकती है? What the fuck? कम टॉर्चर नहीं हो रहा था? जो ट्रेनिंग कैंप में एक और टारगेट ऐड कर दिया। दीदी से कह देना अभी 5 मिनट में निकलना है, प्लीज बुला लो। थैंक्स करण। अंकल। हाय। बनानास नहीं है? माफ करना, गलती हो गई। कोई बात नहीं, आयशा को लेके आता हूँ। वैसे भी मैंने लाइफ में ऐसा क्या कर लिया था जो लोग मुझसे इंस्पायर हो जाते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, आयशा चौधरी। हजार लोगों के सामने स्टेज पर बिठा दिया। कॉस में नर्वस थी पर मुझसे ज्यादा ऑडियंस नर्वस थी। उनको पता था कि मुझे पता है मैं कभी भी मर सकती हूँ। ऐसे में जो बोल देती हिट हो जाता। पर मैं भी आदत से मजबूर, मैंने हुकुम का इक्का फेंका। Guess what? Happiness. Super hit. कुछ तो रो ही दी। Frankly, मैं 18 की थी और मेरी happiness के hormones explode हो रहे थे। Love sex होगा hormones? अब मुझे डर लगने लगा कि इनके project आयशा के चक्कर में मुझे करण को कहीं राखी ना बांधनी पड़ जाए। सुना है 40s में चीजें और हॉट हो जाती हैं, पर उनके लिए जो 40s तक पहुंच पाते हैं। मेरी लाइफ के टाइम बॉम्ब से तो टिकटॉक की आवाजें आ रही थी, अभी नहीं तो कभी नहीं। बच्चा क्या हुआ? इधर आओ।
क्या हुआ बेबी? अच्छा कुछ ही बिठाए प्रोजेक्ट आयशा एक्सटेंड हो गया। पहले मेरे लंग्स को एक्सपैंड कर रहे थे, अब इनको लगा मेरे हार्ट में होल हो गया। इनका कभी हार्ट ब्रेक हुआ नहीं ना, स्कूल से चिपके हुए एक दूसरे से। जिराफ को चलते कॉलेज से इमरजेंसी वेकेशन के लिए बुला लिया। इमरजेंसी वेकेशन? क्या बकवास है ये? मैम अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो पैरासेलिंग अलाउड नहीं होगा। अरे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ले रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है? पर मैम रिस्क तो है ही ना, अगर ऊपर हवा में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो अगले दिन अखबार में तो हम ही छपेंगे ना। ये बिल्कुल बकवास है, मैं बता रही हूँ आपको। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप लोग जाओ। अरे ऑफ कोर्स नॉट। ऐसे कैसे? अरे भाई जाएंगे तो साथ ही जाएंगे ना। सर आई एम रियली सॉरी। ठीक ही बोल रहा था बंदा, मुझे नहीं मरना था इतनी जल्दी, पर इनके लिए मुझे जिंदा रखने से ज्यादा अर्जेंट हो गया था मुझे खुश करना। जिराफ के इतने ब्रेकअप्स हुए, उसको तो नहीं ले गए कभी इमरजेंसी वेकेशन पर। ऐसे होते हैं जिनमें आप अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हो, और जब आप उस पल में होते हो आपको समझ आता है कि लाइफ बहुत ही कमाल की चीज है। ऐसे पल मेरी लाइफ में होते नहीं थे, मूज और पैंडा मिलकर बनाते थे। आयशा का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो रहा है। आयशी, ये मशीन चल रहा है ठीक से? पायलट को बोलो प्लेन लैंड करवाना पड़ेगा। ईशान जाके एयर होस्टेस को बोलो कि प्लेन की लास्ट सीट के ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की बोतल है, वो अभी निकलवाए राइट नाउ। कॉकपिट में नहीं जा सकते मैम, इट्स एन इमरजेंसी, मुझे कैप्टन से बात करना है। क्या हुआ है आप मुझे बताइए। वो हमारी बेटी सांस नहीं ले पा रही है। मैम मेरी बहन सांस नहीं ले पा रही है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए प्लीज। जस्ट लुक एट मम्मा, मम्मा को देखो, आंखें खुली रखो, बस आंखें खुली रखो। आप समझ नहीं रही हैं, इसके लंग्स नॉर्मल नहीं है, इतना कम एयर प्रेशर ये हैंडल नहीं कर पा रही है। प्लेन का ऑक्सीजन कम करने की आवश्यकता है। डोंट टेल मी टू कम डाउन राइट नाउ। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? सर निशित। सर निशित प्लीज अंडरस्टैंड, आप कैप्टन कपूर को जानते हैं? इज अ फ्रेंड ऑफ माइन इन दिल्ली। सर आपने कभी नोटिस किया है कि फ्लाइट में ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहां रखे होते हैं? मूज अपना होमवर्क करके निकलती थी, पर एयरपोर्ट पे जब मुझे लाइफ रिस्क फॉर्म साइन करने के लिए कहा तो पांडा हिल गए, कहा आयश रहने देते। पर करण के बाद मूड तो टपकने का ही हो रहा था, उल्टा मैंने जिद की और एयरलाइंस का लाइफ रिस्क फॉर्म साइन कर दिया। अब लगता है लाइफ से कुछ धक्के और खाने बाकी थे, कुछ सीखना कुछ करना बाकी था, वरना उस दिन बचने का और कोई रीजन वैलिड नहीं लगता।
आयशा की इस माइंड पर मत जाना, उसकी हालत काफी खराब है। ये उसकी बीमारी का नेचुरल प्रोग्रेशन है, लेकिन अब मेरे हिसाब से लंग ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा। अरे हमने इसके बारे में बात की थी जब आयशा की कंडीशन सबसे पहले डायग्नोज हुई थी कि शायद ये करवाना पड़े। बट एल्विक तुम जानते हो मैं इसके हक में नहीं हूँ। 10 साल उसकी जिंदगी बढ़ जाएगी अदिति। तू प्रोसेस शुरू कर, साइन कहाँ करना है, कितने पैसे लगेंगे बस बता देना। हम ये कर रहे हैं। नहीं हम ये नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं अदिति, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ हम ये नहीं कर रहे हैं। हम कहीं और। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम कहीं और बात करते हैं। निर्विक क्यों एमए ट्रांसप्लांट कराने के लिए कहेगा? डॉक्टर है वो, उसे अपना काम करने दो। तो तुम जवाब दो मुझे, अच्छे खासे हेल्दी इंसान के लिए भी लंग ट्रांसप्लांट हैंडल करना मुश्किल होता है, और ये पहले से कितनी बीमार है कैसे झेल पाएगी? मतलब बची कुछ जिंदगी भी हॉस्पिटल के बेड पे खत्म हो जाए उसकी। ऐसे जिंदा रह के क्या वह उठ बैठ पाएगी, खुश रहेगी? क्या तुम ऐसी जिंदगी जी सकते हो? या सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए उसको जिंदा रखना चाहते यार हो? तो क्या मरने दे उसे? सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है वो, मेरी बेटी भी है। और इस बार तुम्हारी ये मनमानी नहीं चली गई थी। ये मेरी मनमानी है? या ये मेरी मनमानी है? इतने साल उसके हर मेडिकल कंडीशन का रिसर्च मैंने किया, छोटी सी छोटी बात के लिए डॉक्टर्स का दिमाग मैंने खाया। अगर ये मेरी मनमानी है then it's fine. I'm sorry, इस बार मैं पीछे हटने वाला हूं नहीं। हम ये ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये मेरा डिसीजन है and that's final. तो तुम बस डॉक्टर्स की बात सुनोगे बिना अपना दिमाग इस्तेमाल करे हुए? अरे मेरे तुम्हारे दिमाग का यहाँ क्या काम है? बस उनका ट्रेनिंग, उनकी एक्सपीरियंस, that's all that matters. तारिया के टाइम तुमने क्या किया था नीरेन? डॉक्टर्स की सुनी थी, क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही हो। कभी किसी भी डॉक्टर ने फुल गारंटी ली है? तुम लोग बचपन में कोई मुझे चॉकलेट देता तो मैं उनसे अपना एक सीक्रेट शेयर करती थी। मेरी एक बड़ी बहन है तान्या, वो मदर मेरी के पास रहती है। ये सीक्रेट इसलिए था क्योंकि मूज ये बातें कभी पांडा के सामने नहीं करती थी। पांडा भूल जाना चाहते थे कि उनकी पहली बेटी तान्या थी। मैंने मूज से पूछा, क्या पांडा मुझे भी ऐसे ही भूल जाएंगे? तानू दीदी की तरह मेरी फोटोग्राफ भी घर में नहीं रखेंगे? तान्या का हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए उसे जो नीरेन का खून चढ़ाया गया था, अब वही खून उसकी हालत खराब कर रहा है। तान्या को सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी है। अगर आप लोग थोड़ा जल्दी आते तो मैं उसे लंदन ले जाने के लिए कहता, लेकिन अब नॉट मोर देन 24 आवर्स। मैं पिछले 5 महीनों से तुमसे कह रही कि तान्या के साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम है। ना उन 10 डॉक्टर्स ने मेरी बात सुनी, ना तुमने मेरी बात सुनी। बच्चों को तो बुखार होता ही है, मुझे वैल्यूम लेनी चाहिए। मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, सब तुम्हारी गलती है। मदर मेरी तुम्हारा पेन समझती है, तो वे मेरे तानू को क्यों नहीं बचा सकती? क्योंकि वो उसका पेन भी समझती है। मम्मा सेल्फिश है, इतनी भी नहीं कि तुम्हारा दर्द ना समझे। तुम जाओ गुड़िया, अगली बार अच्छी हो क्या ना, ठीक है?
मैंने शुरुआत में कहा था मूस के अंदर माता आई और मूस क्रिश्चियन बन गई. उस माता का नाम मदर मेरी था. आई लव यू पांडा. ऐसे हस्बैंड सब कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं जो अपनी वाइफ को अनकंडीशनली प्यार करे. फन फैक्ट, मेरे होने की एक बड़ी वजह तानू दीदी की डेथ थी. तुम्हारी पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में होना चाहिए. काम क्या है? अरे सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी है. पांडा, फालतू में नाटक मत करो. सच सच बताओ काम क्या है? निर्विक अंकल लंग ट्रांसप्लांट सजेस्ट कर रहे हैं. कम से कम 10 साल लाइफ और बढ़ सकती है. तुम्हें नहीं लगता हमें वो चांस लेना चाहिए? और आपको क्यों लगता है कि 18 साल की जगह 28 साल पे मरना आसान होगा? 10 साल हमें एक साथ और मिल जाएंगे आयशी. जब तक हो सके, जितना और ज्यादा हो सके, मुझे तुम उतनी चाहिए हो. अभी बस नहीं हुआ. अब बस हो गया पांडा. मुझे और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए. पता नहीं यार अंशु, अभी कुछ नहीं कह सकते. निरेन है उसके साथ. अच्छा मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ. किस तरफ जाना? ठीक है, वहाँ पे मूस के पास. ओके, आ जा मेरे पास. मूस यहाँ बैठो ना. हुँ? आपका आज पोर्ट्रेट बनाती हूँ. नहीं नहीं प्लीज, हम मुझे पोर्ट्रेट्स नहीं अच्छे लगते अपने. मुझे पता है ना, मेरे मरने के बाद और बहुत अच्छे लगेंगे. बैठो. क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ कोई मर वर नहीं रही तुम? हाँ ना, ऑब्वियसली अभी नहीं मर रही. बैठो प्लीज. दुपट्टा लो ना सर पे. दुपट्टा कभी सर पे नहीं लगाती. क्यों? पेंटर को पेंटर का काम करने दो. रखो. ठीक है, ये वाला इस तरफ. अब ठीक? बस स्टैचू हिलना नहीं. अब इतना रोंडू सैड फेस मत बनाओ. एक काम करो, कुछ अच्छा सा सोचो. जब पांडा ने पहली बार किस किया था, या जब मैं पैदा होने वाली थी, तब कैसे थे आप? फुटबॉल जैसे गोल. इंटरनेट क्वीन, पता है मैं यही चेक कर रहा था. आयश, आयश क्या हुआ? शराब मुझे नहीं मर रहा. मैं तुमको भूल पाना. सबको अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? I don't want to die. के आयश, शिटी सिचुएशन है एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट तू सिर्फ ये सोच के तुझे थोड़े टाइम अकेले मैनेज करना है. उसके बाद तू पीछे पीछे मॉम डैड में हम सब आ जाएंगे ना. रहना तो हमें साथ में ही है. हर बार थोड़े ना कोई नई फैमिली बनती है. एक ही फैमिली बार बार रिसाइकल होती है. जैसे अभी तो मेरी सिस्टर है, तो अगली बार तू मेरे डैड बन जाए और मॉम तेरी वाइफ. नहीं एक सेकेंड, मॉम को वाइफ नहीं बनाते. मॉम को जीत
एक्सटेंडेड फैमिली भी रिसाइकल होती है। कम से कम इसी बहाने मॉम बिना नॉक करे तो नहीं घुसेंगी। एक काम कर, अगली बार ना रोलर वाली लाइफ ले ले। खाना सोना पॉटी करना थोड़ा सा भौंकना और अगर गुस्सा है ना तो काट लेना। I love you. And I love you. And don't forget that, okay? Phone करते रहना मुझे. Rose. Bye. Okay. Bye. मूस सिर्फ इंडिया और लंदन के नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के डॉक्टर्स का भी इंटरोगेशन कर रही थी। मतलब दिन में भी और रात में भी। कॉल्स के बीच में मेरे कॉफिंग फिट्स काफी हेल्पफुल थे। थोड़ा ब्रेक मिल जाता था उनको, पर नींद नहीं। पिछले 7 दिनों में मूस सिर्फ 16 घंटे सोई थी। आपको पता है ना, जो लोग सोना बंद कर देते हैं उनके साथ क्या होता है? वो डोपामिन अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, उनकी बॉडी में ग्लूकोज की प्रोसेसिंग बंद हो जाती है। और फाइनली उनके न्यूरल कनेक्शंस का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अदिति, क्या हो गया? नहीं, क्या कर रही हो? स्टॉप इट, क्या हो रहा है? बास्टर्ड, बुरा सपना देखा होगा। कम कम सो जाओ। मुझे प्यास लग रही है, चाय चाहिए। What's happened? सारे आदमी बास्टर्ड जाओ। आयशा जाग जाएगी, क्या ड्रामा है सब? स्टॉप दिस नाउ। हटो यार, क्या? अरे हटो, अरे और क्यों? कम कम कम, चाय जाके पीते हैं। नहीं दादी, मेरे लिए। हाँ चलो, चाय पियेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अदिति हुआ क्या है इसको? मेरे ख्याल से मेमहांस ले जाना पड़ेगा। मेंटल हॉस्पिटल? अक्यूट साइकोटिक ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक तो हो जाएगी ना? डोंट वरी पांडा, मुझ ठीक हो जाएंगी। नहीं, मैं उसकी नहीं सोच रहा हूँ। रिलैक्स, आई प्रॉमिस, जब तक मूज नहीं आ जाती मैं नहीं टपकूंगी। वरना मेरे जाने के बाद वो जो आपका हाल करेंगी ना, मुझे तो सोच के भी आप पे तरस आता है। मैं ईशान से बात करता हूँ, हो सकता है उसके आने से मॉम बेटर फील कर ले। पांडा, इस घर में ना एक ही बंदा अब नॉर्मल बच्चा, उसे थोड़ा नॉर्मल रहने दे। Thank you.
काम के साथ ऊपर है। अंशु मैं ऊपर जा रही हूँ। हाँ, अंशु कम। Guys, control. एक हफ्ता ही हुआ है। तुम्हें भी तो एक हफ्ते से नहीं देखा मैंने। कम हो। आ गई ड्रामा क्वीन। गिफ्ट है आपके लिए। It feels like I'm watching my world from above. Sometimes I like to paint my pain. किसी को तो घर संभालना था, पैंडा का ख्याल रखना था, सब किया मैंने, बुक भी लिख डाली। हाँ, कोई आपकी तरह ड्रामा करके भाग नहीं सकता ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। चलो निरेन, अब पब्लिशर ढूंढो। वैसे पब्लिशर को बुक बहुत अच्छी लगी। मतलब ब्लूम्सबरी। वाह, तो अगली बार तो मुझे डबल ड्रामा करना चाहिए ताकि तुम अपनी किताब का सीक्वल भी लिख लो, है ना? वन टू थ्री। Through the snow. संतोषी दीदी को बोलती हूँ कि आज चॉकलेट चिप वॉफल्स बनाए हम ब्रेकफास्ट के लिए। निरेन घर आओ जल्दी। हाँ,
जान बेटा उठो, आयशी बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है? तुम उसके साथ बैठो, आई हैव टू मेक अ फ्यू कॉल्स। जी मैं जानती हूँ कि सिर्फ मैं जानती हूँ कि एक दिन बचा है, लेकिन अगर आज मुझे आयशा की बुक की कॉपी मिल जाए, एक ही कॉपी बस, तो आई नो, लेकिन आप समझ सकते हैं ना, उसके लिए टाइम थोड़ा सेंसिटिव है। हे स्पॉट, देखो तुमने याद किया, मैं आ गया। हेलो निर्विक, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रही है, मैंने 4 और सिलेंडर अभी मंगवाए हैं, तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो? अरे थोड़ा जल्दी आओ ना यार। ऋषि, बता सकती हो ये ईशान कहाँ थे? मेरा कुत्ते हो गए हो पांडा, मूस के अंडे ऐसे क्रीम लगा लो। पता है, मैं बाहर से भले ही इसे देखा हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, बहुत कूल बनता हूं, जिससे सब ठीक है, पता है अंदर से एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं तेरे बारे में नहीं सोचूं। जनाब लव्स यू आयशी। क्या हुआ? संभाल के, संभाल के बेटा। मेरी किसी सिर्फ 2 सिलेंडर लेकर आए हो तुम? हमने 4 मंगवाए थे ना। वो गाड़ी में नीचे से लेकर आई, और खाली सिलेंडर निकालो वहां से।
आई भी बैंड बाजे के साथ थी और जा भी वैसे रही हूँ। इस बार क्राउड थोड़ा ज्यादा है, नहीं सबको रोते हुए देखकर स्पेशल तो फील होता ही है। पर मूज के कपड़े नोटिस किया आपने? लगता है बर्थडे पार्टी में आई है। एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए, बर्थडे हो या डेथ डे सेलिब्रेशन तो बनता है ब्रो। और रिटर्न गिफ्ट के नाम पे मेरा ट्री ऑफ लाइफ नेकलेस चुरा लिया मूज ने। फन फैक्ट, दिल्ली में पार्किंग लॉट तो प्रीमियम में खरीद सकते हैं, ग्रेवयार्ड का प्लॉट नहीं। मुझे डबल डेकर स्टाइल वेरी करना पड़ा, थैंकफुली तानू दीदी के साथ। अदिति आ रही है ना? एक्सक्यूज मी, एक विस्की सुनो। नरेन चौधरी, मीटिंग्स में लास्ट वर्ड हमेशा तुम्हारा रहा है, तो आज भी वही होना चाहिए। सो लंदन शिफ्ट होने से पहले अगर तुम्हें हमसे सॉरी कहना है या माफी मांगनी है तो यही वक्त है। कम ऑन अप हियर मिस्टर चौधरी। जाने की खुशी में जो आप सबने ये एक जबरदस्त पार्टी रखी है, अगर पता होता कि आप सब मेरा फेयरवेल इतना एंजॉय करने वाले हैं तो एक हिंट दे दी होती कब का चला गया होता। पहली बार मैं लंदन 1996 में गया था आयशा की ट्रीटमेंट के लिए। उस वक्त फ्लाइट की टिकट्स तक खरीदने के पैसे नहीं थे। ऑफिस में जब ये बात पता चली तो किसी का खाली टिफिन एक टेबल से दूसरे टेबल घूमना शुरू हो गया। 5-5 रुपए जोड़कर आप सब ने उस दिन भी मेरा एक फेयरवेल किया था। जिम्मेदारी तो बॉस की बनती है, लेकिन सच तो यह है कि मैंने आपको नहीं, आप सबने मुझे संभाला। तो मत जाओ नरेन। हाँ, अदिति भी नहीं चाहती कि हम दिल्ली से शिफ्ट हो, लेकिन दुख हर किसी को अंदर से निचोड़ डालता है, थका देता है। बस फर्क इतना है कि मैं उससे अलग तरीके से डील कर रहा हूं और अदिति अलग। यहां का घर, उससे जुड़ी आयशा की यादें, वो सारी बातें लौट लौट कर मेरे दिमाग में आती हैं। शायद इसलिए मैं अपने बच्चों की तस्वीरें भी नहीं देख पाता। पर जब से वो गई है उस कमरे में नहीं जा पाया मैं, डर लगता है।
अगर मैं अंदर गया तो फिर से खो दूंगा उसे। पर कल रात में गया, बैठा, ऐसा लगा कि वो वहीं है। उसकी ड्राइंग बुक्स देखी मैंने, उसकी आदत थी कि हर पेंटिंग में, हर राइटिंग में, वीडियो में एक कहानी छुपी होती थी। आयशा के जाने के बाद उसके लैपटॉप को खोलने की हिम्मत हमें से किसी ने नहीं की, लेकिन शायद उसे बहुत पहले हमें खोल लेना चाहिए था। सरप्राइज। तो इसका मतलब है आप में से किसी ना किसी को मेरे लैपटॉप का पासवर्ड पता था। मुझे तो हमेशा से ही मूज पे डाउट था। एक्चुअली मूज को ना दुनिया की कोई भी स्पाई एजेंसी रिक्रूट कर सकती है। म्यूजिकल क्या दारी है मेरी, रोना भी। अच्छा ठीक है रो लो, पर फिर से नींद में पैना का गला मत दबा देना। मैंने ना पांडा से प्रॉमिस किया था कि जब तक आप विमेंस मेंटल हॉस्पिटल से वापस नहीं आ जाती मैं नहीं टपकूंगी। प्रॉमिस थोड़ा रिस्की है इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर गलती से टपक गई तो ठीक से बाय बोलना रह जाएगा। मैंने हर दिन बहुत दिमाग लगा के डेथ के बारे में सोचा है। बहुत खुराफात की है लाइफ में, अब डेथ का कोई टेंशन नहीं। इसलिए आप लोग भी ज्यादा लोड मत लेना। जितना जिया पेट भर के जिया और डकार भी ले ली। मुझे अबॉर्ट नहीं करने के लिए थैंक यू। और पांडा आपने तो पूरी लाइफ लगा दी खिस खिस के हमारे लिए काम करने में, हम जैसे बिन बुलाए पार्टी क्रैशर्स के लिए। शराफ, मेरा एक हिस्सा हमेशा तेरे अंदर रहेगा। पर मैं अकेला क्यों बच गया ऐसा दिलशिल का ड्रामा मत करना, बहुत मार खाएगा। आई एम सॉरी पांडा, फुल लंग ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया मुझसे। पर आपको मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट याद है ना, मैं जब नहीं रहूंगी तब भी रहूंगी हमेशा के लिए। आप सब लोग मेरे लिए ज्यादा परेशान मत होना क्योंकि मैं तानू दीदी के साथ चिल कर रही हूँ अभी इस वक्त, जब आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हो। पार्टी कर रहे हैं हम साथ में स्काई में, पिंक गुलाबी स्काई। मेरे रोलों का ध्यान रखना। आई लव यू ऑल।
मूज ने कहा था अगली बार इतना बड़ा ड्रामा करूंगी, तुम सीक्वल लिख लेना। इस फिल्म को आप मेरी बुक का सीक्वल ही समझो।